हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, छोटे बच्चा एंड बच्ची, एवरी बॉडी, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? तो यार देख लो, एक और स्नाइपिंग ट्यूटोरियल के साथ आ गया हूँ मैं। तो अभी ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे इस तरह गेम प्ले इम्प्रूव करने के लिए। आज मैं अपनी वॉइस चेंज नहीं करने वाला था, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं यार वॉइस नहीं चेंज करो। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूँ। डिस्क्लेमर यार, ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, जितने भी लॉरम के बड़े बड़े पंखे हैं, फैंस हैं, और बाकी लोग भी जिनको अपनी स्नाइपिंग अच्छी करनी है, दे वॉन्ट देम सेल्फ टू स्टैंड इन ए गुड पोजिशन, के वो एक अच्छी स्नाइपिंग एबिलिटीज़ के साथ, एक अच्छी स्किल्स के साथ गेम खेलें, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी करूँगा जो आपसे मिस ना हो जाए। लेट्स गो टू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर एडियू, लेट्स गो। अरे गाइस, तो मैं अपने स्नाइपिंग ट्यूटोरियल में भी पिछले स्नाइपिंग ट्यूटोरियल की तरह एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जिनको भी नहीं पता नो रिलोड ट्रिक क्या होता है, अगर वो इसमें डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं, वैसे मोस्टली लोगों को पता होता है, लेकिन अगर कोई डिटेल में जानना चाहता है तो वो जाके पहले इस पर वीडियो देखा है, फिर ये वीडियो देखे, तब उसको सही तरह इस वीडियो के बारे में समझ आएगी। बाकी मोस्टली बंदों को पता होता है उससे क्या होता है कि ये जो आपका रिलोड है ये नहीं आपको करना पड़ता, इस तरह आप शूट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी रिलोड। आपको रिलोड नहीं करनी पड़ती स्नाइपर, और आप दोनों अपनी जो भी AWM या M2P है उससे इजीली मार सकते हो बंदे को। दूसरी बात यार, अगर आपको नो रिलोड ट्रिक करनी है उस पर आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भी ये AWM स्नाइपिंग है इसको नॉर्मल नहीं करना, आपने इसको होल्ड फायर टू स्कोप पे ही रहने देना है, वरना नो रिलोड ट्रिक काम नहीं करेगी। ये मैं पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ ताकि जो भी नए व्यूवर्स हैं उनको मसला ना बने, होप यू अंडरस्टैंड, सही है। इसके बाद जो लॉरम वाली स्नाइपिंग है इसके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जाहिर है स्कोप करके तो एम नहीं करना होता, आपने विदाउट स्कोप एम इस तरह मारना होता है। उसके लिए आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो स्क्रीन है आप जाके उस पर कोई निशान लगा लो अपनी स्क्रीन पे, स्क्रीन के सेंटर वगैरह पे। कुछ लोग ये भी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, कि जो अपना रिमोट वाला बटन है उसको बिल्कुल छोटा कर देते हैं, उसको बिल्कुल छोटा कर देते हैं और उसको स्क्रीन के सामने ले आते हैं बीच में, ताकि उनको पता चल जाए किधर मारना है। लेकिन यार मैं ये रेकमेंड नहीं करता, आप ये ना करो, क्योंकि ये ना स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये एक बड़ा डॉट होता है, तो आपको भाई छोटा सा डॉट लगाना है, ये बहुत बड़ा होता है और इससे AWM में मसला तो नहीं आता, लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत सारे मसले आ जाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप ये यूज़ ना करना। आप ऐसा करो कि किसी परमानेंट मार्कर से एक छोटा सा डॉट लगा लो, या जो आपका एम है उसके इर्द गिर्द आप एक सर्कल बना लो, ताकि आपको पता चलता रहे आपकी मिड ऑफ स्क्रीन क्या है और आप एमिंग कर सको विदाउट स्कोप और इस तरह मार सको, ठीक है। उसके बाद इस स्नाइपिंग में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो इसका जो तरीका है वो बहुत ही इजी है गाइस। उसमें आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अगर आप बिगनर हो, जैसे मोस्टली लोगों को ये पता होता है, तो आपने क्या करना है, आपने होल्ड फायर टू स्कोप पे यहाँ पे क्लिक तो करना है, लेकिन आपने होल्ड फायर टू स्कोप यूज़ नहीं करना। ये मेरी बात याद रखना और ये गौर से सुन लो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो इसमें आपने होल्ड फायर टू स्कोप यूज़ नहीं करना अगर आप तेज़ करना चाहते हो, अगर तो आप करना चाहते हो इस तरह, ठीक है, इतना आहिस्ता करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, और अगर आप इस तरह तेज करना चाहते हो तो फिर आपको जो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा, आपको अपना स्कोप यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा स्कोप ये है, मैं यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कर देता हूँ, तो आपको अपना स्कोप यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा स्कोप ब्राइट पर है, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अपने स्कोप पे दबाओगे तब आपको शूट करना है इस तरह, ठीक है, और स्विच करना है साथ। ये मैं बता देता हूँ इसका तरीका क्या है, आपने सिर्फ इससे नहीं करना, अगर आप इसको दबा के रखोगे तब भी स्कोप हो जाता है, लेकिन आपने ये यूज़ नहीं करना अगर आप तेज़ करना चाहते हो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, आपको अपना स्कोप यूज़ करना है, उसके बाद शूट करना है, उसके बाद आपने अपना वेपन स्विच कर देते हैं, यहाँ तो इससे करना है या तो आप अपने यहाँ से कर सकते हो, इन दोनों जगह में से कहीं से भी कर सकते हो, तो इस तरह कुछ आपको शो होगा, ठीक है। तो अगर आप ये स्कोप और शूट वाले बटन को यूज़ करोगे, दूसरी गाइस, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाइस ये तो मैंने आपको एक दो बातें बता दी जो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपने करना क्या, अगर तो आप बिगनर हो तो आप एक जगह पर खड़े हो के ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने क्या करना है,
एनिमी पे एम करना है, जो भी आपने डॉट वगैरह लगाया है अपनी स्क्रीन पे उससे आपने एनिमी पे एम करना है, और आपने स्कोप दबा के आपने जो शूटिंग वाला बटन है उसको प्रेस करना है, और उसके बाद आपने एकदम से स्विच कर लेना है। जैसे ही आप ये काम करते हो, स्विचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो स्कोप, शूट और स्विच, ठीक है? तो बहुत तेज़ तेज़ करना है ये काम, ठीक है? कुछ इस तरह आपको होगा। तो आप इसी चीज़ को आप चलते चलते भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपसे होना शुरू हो गया है कुछ इस तरह, ठीक है? तो इस तरह करोगे तो आप एमिंग भी कर सकोगे और ये ट्रिक भी कर सकोगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा ट्रेनिंग में जाके, तो आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे। एक दो और बातें हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अरे गाइस, द फर्स्ट थिंग आई थिंक के सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप मूवमेंट करो, कोशिश करो इस तरह करके करो, बिल्कुल एक जगह स्टिल खड़े ना हो, कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहो, ठीक है? उसके बाद गाइस, जो इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो अपना शूटिंग है स्विच के बाद, इस तरह ये वाली शूटिंग, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मतलब एकदम से नहीं मारना, जिससे मारे ना दोबारा से एकदम नहीं मारना, क्योंकि इससे क्या होता है जब आप बहुत तेज़ी से करने लग जाते हो तब आपकी गोलियाँ नहीं निकलती। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखा, जब मैं बहुत तेज़ कर रहा हूँ और मेरी गोलियाँ नहीं निकल रही, तो आपको स्विचिंग के बाद जब आप स्विच कर ले तो ये वाला यहाँ पे 1 सेकेंड का गैप देना है, उसके बाद आपने शूट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूरी वीडियो की, ठीक है? तो आपने थोड़ा सा गैप देना है ताकि आपकी कंटिन्यूस गोलियाँ निकलते रहें और बीच में, ठीक है? इस तरह करके थोड़ा सा गैप दोगे आप, आपकी हर गोली निकलेगी, क्योंकि आप बहुत तेज़ करोगे तो फिर मसला बनेगा और आपकी कभी कभी गोली नहीं भी निकलेगी, ठीक है? इस तरह करके आपका ये वाला मसला आ सकता है। अरे गाइस, तो मैं आप लोगों को एक दो एडिशनल टिप्स बताने लगा हूँ इस बारे में, कि जितने भी बिगनर्स हैं यार, ये वाली ट्रिक जो है इस तरह की स्नाइपिंग का तरीका, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि लॉन्ग रेंज में यूज़ करो। आप इसको शॉर्ट रेंज में यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जिन लोगों को सही वाली आती है और लॉन्ग रेंज में यूज़ करना चाहते हैं तब वो लॉन्ग रेंज में यूज़ करें, फिर कोई मसला नहीं है। बाकी देखो, मुझे सही वाली भी आती है लेकिन मैं लॉन्ग रेंज में नहीं यूज़ करता। लॉन्ग रेंज में मैं स्कोप वाला यूज़ करता हूँ। स्कोप वाला आई थिंक बेस्ट है, जिस तरह अल्फ़ा FF और B2K वगैरह यूज़ करते हैं। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ वो किस तरह करनी है। इससे पहले वाली वीडियो है वो जाके देख सकते हो आप, मेरे चैनल पर ईजिली आपको मिल जाएगी, वो भी डिटेल में इसी तरह आपको सारा कुछ उसमें मैंने बताया हुआ है। बाकी जो करेक्टर स्किल्स हैं यार, आप एक लॉरा यूज़ करो जिससे आपकी स्नाइपिंग की जो शॉट्स हैं वो ज़्यादा लगेंगे बंदे पे। बाकी मोको यूज़ करो। मोको से क्या होगा, जब आप एक दफ़ा मोको को शूट करोगे उस पर एक एरो आ जाएगा, फिर इजीली आप बंदे को स्पॉट करके M2 भी यूज़ करके बिहाइंड द ग्लू भी मार सकते हो। एक राफेल यूज़ करो जिससे आपकी स्नाइपर पे एक साइलेंसर लग जाएगा, बेशक आपने ना भी लगाया हो तो उससे भी आपको बहुत मदद बनेगी। बाकी गाइस, आपको वुकोंग, अलोक या क्रोनो में से आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हो। दैट्स इट फॉर द डेज वीडियो। सो सॉरी गाइज, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अजीब सी लगी हुई है वाली, क्योंकि यार इस वीडियो में थोड़ा सा मैं थका हुआ था, रात के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, सुबह जल्दी उठना भी है, तो थोड़ा सा माजरत अगर ये वीडियो थोड़ी सी ऐसे आगे पीछे होगी हो। बाकी आज सी इन द नेक्स्ट वन, अपडेट एंड टेक केयर, बाय बाय। क्लिप ज़रूर देख के जाना, ओके? और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, एक क्लिक की तो बात है, आपको अच्छी टिप्स ही मिल जाएंगी। बाय बाय।
shit cost like 2k. Asking about your bitch, the voice is